हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल हलवा। इसके लिए मैंने एक कप मूंग की दाल ली है। इसे मैं वॉश करके स्ट्रेन में रख दूंगी। ये बिना छिलके वाली मूंग की दाल है। एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून घी। मैंने इस तरह के स्ट्रेनर में दाल को रखा था। इसका पानी सब ड्रेन हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसको भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं मैंने स्लो फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लिया है। इसे गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसे ठंडा करूँगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी। हमें इसे दरदराई पीसना है। मैंने इस तरह एक दरदरा पाउडर बना लिया है। उसी पैन को मैंने गरम करने के लिए रखा है। उसमें मैं 1 टेबलस्पून घी ऐड करूंगी। टोटल हमें 3/4 कप घी यूज़ करना है। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। मैंने बादाम और काजू लिए हैं। इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करके निकाल लूंगी। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको हमें ज़्यादा जलाना नहीं है। इसे हम गोल्डन होने के बाद निकाल लेंगे। इसमें मैं और थोड़ा घी ऐड करूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून सूजी। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून बेसन। इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब ये अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये पाउडर जो मैंने प्रिपेयर किया था। इसको भी मैं अच्छे से भून लूंगी। इसे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे। जब तक दाल का मिक्सचर भून रहा है तब तक मैंने एक सॉस पैन में 2 कप मिल्क लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप मावा भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं कुछ स्ट्रेंड्स केसर के डालूंगी। इसको मैं मिक्स करूंगी और बॉईल करने के लिए रख दूंगी। इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। हमारा मिक्सचर अच्छे से भून चुका है। अब जो मिल्क मैंने गर्म किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा घी बचा था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पूरा 3/4 कप घी हमें ऐड करना है। इसको भी मैं अच्छे से भून लूंगी। केसर डालने से इसका कलर अच्छा आता है। अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो या फिर पिंच कलर भी ऐड कर सकते हो। इसमें मैं ऐड करूंगी 3/4 कप शुगर। पाउडर्ड शुगर यूज़ कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप शुगर भी ऐड कर सकते हो। इसको हम अच्छे से मिक्स होने तक कुक कर लेंगे। शुगर मेल्ट हो गई है, इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक ये हलवा अच्छे से साइड्स नहीं छोड़ता हम इसे कुक कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट डालने से मीठे का टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून इलायची पाउडर। जो नट्स मैंने फ्राई किए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें चॉप्ड नट्स ऐड करूंगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने बादाम और पिस्ते के स्लाइसेस ऐड किए हैं। मूंग दाल हलवा हमारा बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। मूंग दाल हलवा हमारा बनकर रेडी है। मैंने इसे नट्स के साथ गार्निश किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।